2024 में अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म वेलकम 3 आने वाली है और अक्षय कुमार की ये फिल्म बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है, चाहे आप बजट को लेकर के लगा लो या फिर इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर लगा लो, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम 3 का बजट 200 करोड़ का होने वाला है। और इस फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पठानी, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, जैकलिन फर्नांडिस, परेश रावल, लारा दत्ता, राजपाल यादव, अरशद वारसी, श्रेयस तिलपड़े, कृष्णा, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, मिक्का और भी बहुत सारे सुपरस्टार इस फिल्म की अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। यानी अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम 3 की कास्टिंग इतनी 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 ज्यादा होने वाली है और अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम 3 को अहमद खान डायरेक्ट करने वाले हैं। और इस फिल्म में सुनील शेट्टी, जो अपने हेरा फेरी 3 फिल्म की कास्टिंग के साथ, जिसमें अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ, इस फिल्म में एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। और वेलकम 3 फिल्म की लगातार हर रोज अपडेट आ रही है, जो वेलकम 3 फिल्म की हाइप को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। और अभी अक्षय कुमार की वेलकम 3 फिल्म के ऊपर एक और अपडेट आई है और इस अपडेट के अंदर हमें सुनील शेट्टी के किरदार के बारे में बताया गया है कि वो वेलकम 3 फिल्म के अंदर किस किरदार में नजर आने वाले हैं। और इस अपडेट के अनुसार वेलकम 3 फिल्म के अंदर सुनील शेट्टी, जो एक डॉन के किरदार में नजर आने वाले हैं, और सुनील शेट्टी इस फिल्म के अंदर एक प्यारे डॉन का किरदार निभाएंगे और उनका ये डॉन वाला किरदार काफी शानदार और काफी कॉमेडी से भरा हुआ होने वाला है। और सुनील शेट्टी का ये किरदार अब तक का सबसे कॉमेडी वाला किरदार होने वाला है और आप सुनील शेट्टी को काफी लंबे टाइम के बाद फिर से कॉमेडी वाले किरदार में देख वाले हो। और इसके अलावा भी वेलकम 3 फिल्म की शूटिंग जो लगातार चल रही है और सुनील शेट्टी जो अपने कॉमेडी अवतार में वापस आने के लिए काफी उत्साहित लग रहे हैं फिल्म के सेट पर, और सुनील शेट्टी जो इस फिल्म की शूटिंग में काफी आनंद भी ले रहे हैं अपनी पुरानी कास्टिंग परेश रावल और अक्षय कुमार के साथ। और वेलकम 3 फिल्म के मेकर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आपने ऐसी कॉमेडी फिल्म आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। और पहले वेलकम 3 फिल्म के अंदर संजय दत्त भी नजर आने वाले थे और इसके लिए संजय दत्त ने कुछ दिनों तक वेलकम 3 फिल्म की शूटिंग भी की थी, लेकिन जब संजय दत्त वेलकम 3 फिल्म के सेट पर होते थे तो मेकर्स को उनके किरदार, उनके डायलॉग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता था कि संजय दत्त का इस फिल्म के अंदर क्या किरदार होने वाला है, उनके क्या डायलॉग होने वाले हैं। तो इन सभी के कारण संजय दत्त ने वेलकम 3 फिल्म को छोड़ दिया था और उनका कहना था कि मैं इस फिल्म की शूटिंग की वजह से अपने आने वाली फिल्मों के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। तो इन सभी कारणों की वजह से संजय दत्त ने वेलकम 3 फिल्म को छोड़ दिया है, यानी अब संजय दत्त इस फिल्म की अहम भूमिका में नजर नहीं आने वाले हैं और उनकी जगह अब इस फिल्म के अंदर जैकी श्रॉफ नजर आने वाले हैं, जो इस फिल्म के अंदर संजय दत्त के किरदार को नहीं निभाएंगे बल्कि उनके लिए एक अलग से किरदार लिखा जाएगा। और संजय दत्त के इस फिल्म को छोड़ने पर इस फिल्म के मेकर्स काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि इतनी बड़ी कास्टिंग के साथ फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है और अगर ऐसे में कोई एक्टर फिल्म छोड़कर चला जाता है या फिर फिल्म में किसी नए एक्टर की एंट्री होती है तो फिर उस फिल्म के ऊपर काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैकी श्रॉफ जो इस फिल्म के अंदर क्या किरदार निभाएंगे उसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। और अक्षय कुमार की वेलकम 3 फिल्म जो 20 दिसंबर 2024 को ही थिएटरों में रिलीज होने वाली है, तो क्या आप लोग अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम 3 के लिए एक्साइटेड हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं तो इतनी ज्यादा कास्टिंग के साथ इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और अगर ऐसे में कोई और